नमस्कार मित्रों, मैं शिवम आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आपको ये बताने के लिए कि आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है, हमारे देश में ये चल क्या रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संसद में नागरिकता बिल संशोधन एवं CAA NRC पास होने के से बौखलाहट आ गई है अन्य राजनीतिक दलों में। और जैसा कि आपने सुना होगा कि लखनऊ में हिंसा हुई, दिल्ली जामिया यूनिवर्सिटी में हिंसा, आखिर इसका क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है, ये हम आपको आज हम बताएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि लोगों की मानसिकता इतनी खराब, इतनी गंदी क्यों है और इस पे एक्चुअल ये NRC CAA एक्चुअल में है क्या, इसका क्या मेन मुद्दा है, क्या कारण है और इसी को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या विचार है, क्या व्यक्तित्व है, वो आपको बताएंगे हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से। और आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की बांटो और राज करो इसी नीति की वजह से देश का एक बार बंटवारा हो चुका है। मां भारती के टुकड़े पहले हो चुके हैं, यही कांग्रेस है जिसने अवैध तरीके से लाखों घुसपैठियों को भारत में घुसने दिया, यहां उनको वोट बैंक के नाते इस्तेमाल किया। घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई है उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल जो इतने सालों तक सत्ता भोगते रहे वे ही जिम्मेदार है। साथियों, मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं। मैं आज कांग्रेस और उनके जितने चेले चपाटे हैं, जितने उनके साथी दल हैं, उनको आज खुलेआम चुनौती देता हूं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके घोषणा करें, अगर उनमें हिम्मत है तो खुल करके घोषणा करें कि वो पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार है। कह दे जरा, देश उनका हिसाब चुकता कर देगा। इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस में साहस है तो खुलकर यह भी घोषणा करें कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिर से आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। कर बोलो जरा, हिम्मत है तो बोलो। मोदी ने हटाया है, आप वापिस लाने का देश के सामने घोषणा करके दिखाओ। गुमराह कर रहे हो लोगों को। अरे कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस में हिम्मत है, अरे कांग्रेस के साथियों में हिम्मत है तो वो ये भी खुल करके घोषणा करें कि 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसे वो रद्द कर देंगे। जरा हिम्मत के साथ बताओ। कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करे, खुल करके ऐलान करे, वरना देश से झूठ बोलना, देश में भ्रम फैलाना, दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दे। मैं कांग्रेस और उसके साथियों को ये भी कहना चाहता हूं, वो देश के युवाओं को बर्बाद करने के ये खेल खेलना बंद कर दे। किसी का भला नहीं,
होगा, देश के उज्जवल भविष्य का भला नहीं होगा। जिन मां बाप ने काली मजदूरी करके बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, उन मां बाप के सपनों को तहस नहस करने का बाप अपनी राजनीति के लिए मत करो।